सबसे पहले मैं जय भीम आज इस भवनाथपुर के पावन पवित्र धरती पर जो हम लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं बाबा साहेब के लिखे हुए संविधान पर चलने वाले हम लोग सभी नौजवान साथी कार्यकर्ता और इस क्षेत्र का जो समस्या है बहुत बड़ा समस्या है, आज से नहीं बहुत दिनों से हम लोग जो है दबे कुचले लोग हैं और समस्या हम लोग का शिक्षा पलायन तमाम तरह का मुद्दा है जो कि कहा नहीं जा सकता है। इसलिए हम लोग सभी तत्मत से मिल करके जो है हमारे भवनाथपुर विधानसभा के जो बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं हमारे पंकज कुमार चौबे जी, ये हर जनता को दिल में मैंने बस गए हैं। इसलिए आज से नहीं, इनका पिताजी भी चुनाव लड़े हैं जिला परिषद में, हर घर में सहयोग मदद जहाँ भी जो भी समस्या है वो हर घर में जाते हैं, समस्या को समाधान करते हैं, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या सहयोग है, ये बराबर करते आ रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी के जो अभी प्रत्याशी हमारे पंकज कुमार चौबे जी जो हैं ये अभी अच्छा काम कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं और जनता को समस्या को समझ रहे हैं। अब आने वाला दिन में बहुत चंद मिनट में हम बता रहे हैं अभी तो नहीं, लेकिन जब चुनाव आएगा तो हम लोग यहाँ भवनाथपुर विधानसभा से हम लोग प्रत्याशी के रूप में इनको विधायक बना करके भेजने का काम करेंगे। पंकज चौबे को वोट क्यों करेंगे लोग? पंकज चौबे के वोट इसलिए करेंगे कि देखिए दो जो पहले विधायक थे मान के चलिए भानु प्रताप शाही जी थे, उसके बाद जो है अनंत प्रताप देव जी थे, ये लोग जितना भी जनता को झूठ साँच बोल करके अपना वोट बटोरने का काम किया तो हम लोग खुद देख रहे हैं। हम लोग यहाँ नहीं, अहमदाबाद, गुजरात, जामनगर सब जगह हम लोग जाते हैं कमाने के लिए, ऐसा बात नहीं है, हम कोई बड़ा नेता नहीं है। नहीं मिलता है क्या काम यहाँ पर कहाँ से मिलेगा, जितना भी है सब फैक्ट्री झूठ, सब झूठ। यहाँ पर रोजगार ना होने का क्या मुख्य राज होने का मुख्य सब झूठ। नेता लोग जो है पहले जिसे शुरू शुरू मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बने हमारे झारखंड के, उसमें मंत्री हुआ करते थे जानते हैं मधु कोड़ा बंधु तिर्की हरि नारायण राय, ये जितना भी थे भानु प्रताप शाही ये सब बड़े बड़े मंत्री बने, अब सब चारा घोटाला में नतमस्तक हो गए झूठ बोल करके। अभी देखिए हमारे झगड़ा खंड में आपको अहमदाबाद से एक लड़का को जो है से कि डेथ बॉडी आया, आज अगर वह फैक्ट्री हमारे झारखंड नहीं हमारे भवनाथपुर धरती पर होता तो आज हम लोग बाहर नहीं जाते कमाने के लिए, बंद बोटी में हम लोग के लाश आता है हमारे जनता को, हमारा गरीब परिवार को। आज बताइए गुजरात के लोग आते हैं या झारखंड में? नहीं आते हैं। हरियाणा के आते हैं, पंजाब के आते हैं, कोई नहीं आता है, लेकिन झारखंड के लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए। क्यों? यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पर जो है खनिज पदार्थ से हमारा झारखंड में पूरा भरा हुआ है, कोयला है, सोना है, चांदी है, डोलोमाइट है, तमाम तरह के हैं, लेकिन यहाँ के जो विधायक है सब झूठ वादा करके और जनता को झूठ बोल करके और वोट लेकर के मचोट करके कुर्सी पर बैठ जाते हैं, लेकिन जनता को देखते नहीं है, फैक्ट्री है कि क्या है कुछ नहीं देखते, रोड है, सड़क है, बिजली है। आज देखिए झगड़ा खान में हम बता रहे हैं आपको, वहाँ क्या बोलते हैं बहुत बड़ा विद्यालय बना है, डिग्री कॉलेज, उसमें एक भी चपरासी तक नहीं है, बताइए। आईटीआई कॉलेज है उसमें नहीं है, बहुत ऐसा है समस्या जो कि अभी तक समाधान नहीं होने पाया है। अब इसलिए हम मास्टर साहब नहीं आ रहे हैं कि अगर गरीब का लड़का अगर पढ़ेगा तो बड़ा नेता बन जाएगा, बड़ा पोस्ट पर आ जाएगा, आईएएस अफसर बन जाएगा, ये सब समस्या है। ये लोग जो है सोचता नहीं है कि वहाँ पर मास्टर बैठा है, वहाँ पर मैंने तमाम तरह के पदाधिकारी हो, इन लोग का वो चाह नहीं है। अगर चाह जाते यहाँ के विधायक तो हर जगह जो है पदाधिकारी बढ़ जाता, हर जगह स्कूल कॉलेज में जो है मास्टर होते। नामांकन प्रारंभ नगर उटारी अनुमंडल में प्रतिष्ठित संस्थान मां नगीना शाही महिला महाविद्यालय में स्नातक स्तरीय कला एवं वाणिज्य संकाय में सत्र 2024-28 के लिए नामांकन प्रारंभ है। समय सीमित है। महाविद्यालय की विशेषताएं, छात्राओं के लिए सुरक्षित परिसर, रैंकिंग मुक्त शैक्षणिक वातावरण, सुयोग शिक्षक, पर्याप्त पुस्तकालय की सुगमता, सुयोग छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुगमता, एनएसएस द्वारा समाज हित के कार्यों में सहभागिता। अतः आप सभी महानुभाव बुद्धिजीवियों से अनुरोध है कि आप अपनी लड़कियों का नामांकन मां नगीना शाही महाविद्यालय में कराएं। संपर्क सूत्र 9110105091।